आपको समझाया था सप्लीमेंट्री अबाउट द पोएट लेसन, आपको समझ में आया होगा। अब इस समय हम आपको पूरा चैप्टर जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गौर से इसको देखिए। सबसे पहले आपका है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ द नैरो लेंस एंड द एलिस एमर्ज एज़ ए गैली ग्लैड हेमिनिटी। क्या है ये, कौन सा फेस्टिवल था? बसंत का फेस्टिवल था, स्प्रिंग बसंत, ठीक है, बसंत ऋतु का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ द नैरो लेंस एंड द एलिस एमर्ज एज़ ए गैली ग्लैड हेमिनिटी मीन्स क्या है, जो शीतल छांव, विंट्री सेट्स माने शीतल छांव, शीतल छांव में से जो है कई लोग नैरो लेंस माने बहुत संकरी गलियां, नैरो लेंस में बहुत संकरी गलियां, वहां से काफी भीड़ में लोग एलेज एमर्ज से गैली ग्लेड हिमनेटी, काफी लोग जो हैं वह गैली ग्लैड, गैली क्लैड मीन्स बहुत ही ज्यादा चटक भटक भड़कीले कपड़ों में। अब आपको पता है मेले में जाएंगे तो सब अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनेंगे ना, तो बहुत अच्छे कपड़ों में सब भीड़ चली आ रही थी। सम वॉक, सम रोड ऑन द हॉर्सेस, अदर सैट बिंग द कैरिन इन द बम्बू एंड द ब्लॉक कार्ट। सब कुछ लोग हैं जो पैदल ही चले जा रहे थे, भीड़ में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ पैदल चले जा रहे हैं। सम रोड ऑन द हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर बैठे थे, घोड़ों पर जा रहे हैं। अदर सैट कुछ और कहाँ बैठे थे, बींग कैरिड इन द बॉम्बो एंड द ब्लॉक कार्ट मीन्स जो पालकी होती है उस पालकी में या बुलक बैलगाड़ी में लोग उसमें भीड़ में चले जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर रन बिटवीन हिज फादर्स लैप ड्रीमिंग ओवर इट्स लाइफ एंड लाफ्टर। अब इसी भीड़ में मैंने आपको पहले भी समझाया था सबली में कि एक छोटा बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ इसमें मेले में जाता है, तो वो छोटा बच्चा देखो कितने अच्छे से इसको मेले को इंजॉय कर रहा है, कितने बढ़िया से वो खेलने में मस्त है। आपको पता है जो छोटा बच्चा है उसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती, उसको सिर्फ खेलने से मतलब रहता है ना, मस्त रहता है। तो ये भी छोटा बच्चा क्या है कि अपने पापा के लेग्स माने पैरों के बीच में से निकल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पूरे और क्या है खुशी और हंसी में अपना जीवन उसी में बिता रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा ये जो है खुश हो रहा है इसमें। अब इसके आगे देखिए, ये आपका फिर आया, देखिए इसमें कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्स बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द टॉप्स दैट लिन द वे। अब उसके पापा उसको देखकर कहते हैं बेटा आओ आगे आओ आओ, एज ही लैग्स बिहाइंड जो कि पीछे छुपा हुआ था, पीछे की तरफ छूट गया था, फैसिनेटेड बाय टॉयज इन द टॉप्स दैट लिन द वे। और वो क्या कर रहा था, पीछे जो आपके टॉयज की दुकानें निकलती जा रही थी उसको बहुत गौर से देखता जा रहा था। बेटे बच्चे को क्या चाहिए बेटा, खिलौनों से तो बहुत ज्यादा अटैच होता है, खिलौने उसको बहुत पसंद है। तो उसके पापा भी बार बार उसको एक बार देखते हैं और बुलाते हैं, वो आगे की तरफ चले जाते हैं और वो बच्चा जो पीछे दुकान से छूटती जा रही थी खिलौनों की उसको देखता जा रहा था। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल। अब वो बच्चा जो था बड़ी जल्दी में था, लेकिन ऐसा है कि उसके कदम जो हैं जैसे एक आज्ञाकारी कदम होते हैं, जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं वो फिर उसकी तरफ मुड़कर देखता है। His eyes still lingering on the receding toys. वो सुनते तो उनकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखें जो है बराबर जो पीछे खिलौने छूट जाते हैं उसकी तरफ टिकी हुई रहती है, लिंगरिंग में उसी पर टिका हुआ है उसकी आंखें। As he came to where they had stopped to wait for him, और जैसे वो लोग आगे आते हैं उसका इंतजार करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। He could not suppress his desire of his heart, even though he will knew the old cold stare of the refusal in their eyes. अब क्या है कि बच्चा है वो ये नहीं समझ रहा है कि कौन सी चीजें अच्छी हैं कौन सी बुरी है, और उसके पापा समझ रहे हैं कि कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। तो सारी इच्छाओं को भाई आपके मम्मी पापा आपकी सारी इच्छाएं तो पूरा नहीं कर सकते ना बेटा, जितना वो भी समझते हैं कि आपको कौन सी चीज देनी चाहिए कौन सी चीज नहीं देनी चाहिए, तो कई चीजें वो मना कर देते हैं। ठीक है,
आई वॉन्ट दैट टॉय, हे प्लीज। अब वो अपने पापा और मम्मी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौने, वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईज, रेड आईज मैंने गुस्से से देखता है। जैसे ही वो मांगता है खिलौना तो उसके पापा उसको बहुत गुस्से से देखता है। इन हिज फैमिलियर पेरेंट्स वे हिज मदर, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड द गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब माँ जो है, माँ बच्चे को ज्यादा उस समझती है, तो वो जानती है कि अगर बच्चे के साथ क्रूर व्यवहार करेंगे, कठोर बोलेंगे, तो बच्चा दुखी हो जाता है ना बेटा। तो इसलिए जब उसके पापा तो उसको बहुत गुस्से से देखते हैं, लेकिन माँ जो है इसको संभाल लेती है और उस बच्चे की उंगली को पकड़ के कहती है, बेटा आगे देखो ना, आगे तो अभी और कुछ है, बहुत कुछ है, उसको मैंने बहलाने के लिए ऐसा समझाती है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइट मेल्टिंग गोल्ड एस इट द स्वीप अक्रॉस माइल्स एंड द माइल्स ऑफ द इवन लैंड। अब क्या है कि एक सरसों की खेत, आगे चलते चलते उनको एक सरसों का खेत मिलता है, और सरसों के खेत में आपको पता है पीले पीले फूल होते हैं। सरसों के फूल क्या होते हैं, पीले कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। तो वो पीले रंग के सरसों के खेत के बीच में से ये गुजरते हैं, वहां से निकलते हैं, जो बिल्कुल सोने जैसे चमकते रहते हैं वो फूल। एक ग्रुप ऑफ डैगन फ्लाइज देयर विस्टलिंग अबाउट ऑन देयर रेडी पर्पल विंग्स। अब उसी देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा फूल होते हैं, बहुत ज्यादा हरियाली होती है, तो ये मक्खियों का ये ड्रैगन एक प्रकार के फ्लाइज होते हैं जो वहां पे उड़ते हुए चले आ रहे हैं और उन्हीं फूलों पर मंडराते रहते हैं जिसके पर्पल विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। इन सेक्सुअल द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब उसमें क्या होते हैं, ड्रैगन्स भी होते हैं और कई बटरफ्लाई, तितलियां, आपको पता है तितली क्या करती हैं, फूलों से रस लेती हैं, ठीक है ना, फूलों का रस लेके वो उसी से शहद बनाती हैं, इसलिए जो होती हैं तितलियां उस फूलों पर मंडराती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। अब देखो बच्चे का मन, अब बच्चा सब कुछ छोड़कर क्या है, जब तितलियों को देखता है, उनको देखता है, तो उसके पीछे फिर मस्त हो जाता है, उसके पीछे फिर वो भागने लगता है उसी फ्लावर, उन्हीं मक्खियों के या तितलियों के पीछे। Still one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. अब देखिए, आपको पता ही है बच्चे क्या करते, तितलियों को पकड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, है ना। तो वो जब ये रंग बिरंगे तितलियों को देख रहा है बच्चा, तो वो फिर उसको पकड़ने के लिए उस तितली को उसके पीछे पीछे फिर वो भागता है। But it would go fluttering, flapping up into the air. लेकिन वो तितली आपके हाथ कहाँ आएगी, वो तो और जैसे जैसे आप उसके पास बढ़ते जाओगे वो और ऊपर ऊपर हवा में उड़ती चली जाएगी। When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a personal call, come child, come on to the footpath. फिर उन्होंने देखा कि बच्चा तो उसी खेत में उसी तितलियों के पीछे मगन है, उसी को पकड़ने में लगा है, तब उसकी माँ उसको आवाज देती है, आओ बच्चे आओ सड़क पर, फुटपाथ पर, पगडंडी पर आओ, खेत से बाहर निकलो और इसमें आओ। He ran towards his parents daily and the walk abreast of them for a while being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were steaming but from their hiding places to enjoy the sunshine. अब इस तरह से वो भागता अपने पेरेंट्स के पीछे जो है, तो जब पेरेंट्स उसको बुलाती, माँ उसको बुलाती कि आओ बेटे फुटपाथ पर आओ, तो वो निकल के आता है और उनके पीछे फिर भागने लगता है। However, soon left behind, और वो इस तरह से क्या है, उनको बहुत पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। किसके पीछे, इंसेक्ट के पीछे, उन्हीं वॉर्म्स और इंसेक्ट के पीछे जो फुटपाथ में उनको दिखता है, उसी के पीछे मस्त होकर, जो सूरज में चमकते उसके पंख दिखते हैं सुंदर काफी, तो बच्चा उसी में काफी अट्रैक्टिव होता है और उसी के पीछे भागने लगता है।
some child come, his parents called from the set of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको फिर आवाज देते हैं, कम चाइल्ड कम, बेटे आओ। और वो कहाँ पे जाते हैं? ग्रोव माने एक पेड़ों के झुंड में, जो काफी पेड़ के झुंड होते हैं, उस पेड़ों के झुंड में जाते हैं। दे हैड सीटेड देमसेल्फ, और वो वहां पर बैठ जाते हैं, एज ऑफ ए वेल, एक दीवार के सहारे वहां पर ठंडी छांव में पेड़ों के झुंड में बैठ जाते हैं। ही रेन टुवर्ड्स देम, वो दौड़कर उनके पास फिर पहुंच जाता है। A shower of the young flowers fell upon the child as they entered the grove. अब क्या होता है, जैसे ही बच्चा जो उस ग्रोव है पेड़ों के झुंड में प्रवेश करता है, तभी कुछ फूलों के जो हैं पंखुड़ियां उस पर आकर गिरती हैं। And forgetting his parents, he began to gather the running petals in his hand. अब देखो, अब बच्चा है, अब एक काम करते करते वो जब वहां देखता फूल गिर रहे हैं, उसकी पत्तियां झड़ रही है, तो अपने पेरेंट्स को भूलकर वो क्या करने लगता है, उन फूलों की पत्तियों को बटोरने में लग जाता है, उसको अपने हाथों में समेटता है। बट तो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉग एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, लेकिन ओहो वो फिर क्या सुनता है, कुछ डॉग, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स की आवाज होती है, उसको सुनता है और डर कर वो फिर अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है। शाउटिंग द डॉग द डॉग, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और क्या होता है, उसी डॉग के डर से वो चिल्लाता है, भागता है, अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है, और इस वजह से उसके हाथ में जो इकट्ठे उसके जो पेटल्स जो पत्तियां पंखुड़ियां इकट्ठा करता वो गिर जाता है, उसको भी वो भूल जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree and gathering him up, they look the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. फिर वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, बेटा आओ आओ, who had now gone running the wild capers Bill Capers round the banyan tree. Banyan tree, बरगद का पेड़, जहाँ वो बच्चे को फिर बुलाते हैं, जहाँ पर वो कहाँ रुके हुए हैं, एक बरगद के पेड़ के पास, and gathering him up they look the narrow, और जहाँ पर कई कुछ लोग जो हैं, कुछ लेते हुए दिखते हैं, जो इकट्ठे हैं, winding footpath which led to the fair through the mustard field, और जहाँ पर ये आपका फुटपाथ है, जहाँ पड़ता है मस्टर्ड खेत, मैंने आपको बताया था सरसों का खेत है, उसके बीच में जो ये आपका पड़ता है वो वहीं पे आ जाते हैं। अब इसके आगे देखिए, देखिए अब ये है, एज दे नियर द विलेज The child could see many other footpaths full of bones covering to the world full of the fear and felt at the once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब क्या है, ये धीरे धीरे आगे मेले में बढ़ते चले जाते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या होता है, एक विलेज के करीब जैसे कुछ देखने को इनको मिलता है, फुटपाथ होता है, वहां पर ये देख रहे हैं कि शहर में कई चीजें जो हैं वो बहुत सुंदर है, और कई चीजें हैं ऐसी हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं। वुड ही वॉज एंट्रिंग, जब वो वहां जाता है तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी चीजें ले कौन सी ना ले, ये सोचता हुआ वो आगे मेले में बढ़ता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी at the corner of the entrance and he crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweets. अब देखिए, जब वो आगे बढ़ता है तो एक मिठाई वाले को देखता है जो कि आवाज लगाता है, क्या है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, और उसके आगे कई लोग भीड़ करके गोल रूप से उस मिठाई वाले को घेरे हुए रहते हैं जो कि खरीदने में लगे रहते हैं, और बहुत कलरफुल सब स्वीट होती है, डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड,
आप देखते हैं जो मिठाइयों पर क्या होती है, जो गोल्डन या सिल्वर के कुछ पेपर जो है उसमें लगे हुए होते हैं, तो ये वो देख रहे हैं। द चाइल्ड टियर्ड ओवर आई एंड हिज माउथ वॉटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आप देखिए वो बच्चा जो है उसकी आंखें जो है एकदम खुली रह जाती है उन मिठाइयों को देखकर, और वो भी बर्फी जो कि उसकी फेवरेट मिठाई है उसको देखकर उसके मुंह में जैसे पानी आ जाता है एकदम से। माउथ वॉटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी। अब वो कहता मुझे तो बर्फी चाहिए। ये स्लोली मर्मर माने वो फिर ऐसे डरते हुए या फुसफुसा कर कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्लेट वुड नॉट। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी इस बात को माना नहीं जाएगा, ये भी वो जानता है अच्छे से। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको क्या कह सकते हैं कि तुम तो लालची है ना, इसी डर से वो बोल नहीं सकता। तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर अतः वो ये भी इंतजार नहीं करता कि इसके पेरेंट्स उसको हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। एक फ्लावर सेलर देखिए, एक फ्लावर सेलर हॉप, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब बच्चा घूमते घूमते कहाँ आता है, एक फूल माला के दुकान में आता है। और फूल माला के दुकान में क्या होता, मालाएं होती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो वो जो फ्लावर सेलर है वो किसकी आवाज दे रहा है कि एक माला गुलमोहर की है, एक माला गुलमोहर की है। ठीक है। द चाइल्ड सीम रेस्टेबली डाउन ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप एंड द हाफ मर्मर। अब बच्चा है उसको तो उत्साह लगता है, वो फूलों की हर जगह पे जहां भी वो जा रहा है मांग कर रहा है, लेकिन उसकी हर मांग जो है वो रिफ्यूज कर दी जा रही है। इसलिए अब लास्ट में वो फिर एक इसमें आता है, एक फूलों के उसमें आता है और अपने माला को देखता है, तो उसकी इच्छा होती है कि एक माला वो भी ले ले। अतः बहुत धीरे फुसफुसा कर वो कहता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए, मैं ये माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर। लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है ये माला खरीदने के लिए भी उसको मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे अरे ये तो बहुत महंगा है ना, कह के वो कहेंगे इसको छोड़ो। तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अतः वो बिना किसी आंसर के आगे बढ़ जाता है, कि कोई उत्तर उसको दे या ना दे ये सोचता वो आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून सेंग फ्रॉम इट। एक आदमी आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, एक गुब्बारे वाला, जो उसके पास कौन से कलर के गुब्बारे होते हैं, रेड माने लाल, पीला, हरा और पर्पल कलर के बैलून जो है वो लेके वहां पोल के पास खड़ा है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विथ एंड द ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। अब वो बच्चा, आपको पता है बच्चे जो है गुब्बारा के लिए ज्यादा जिद करते हैं, उनको गुब्बारा बहुत पसंद है, और वो जो रंग बिरंगे गुब्बारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे चमकीले कोई रेनबो हो, है ना, धनुष इंद्रधनुष जिसे आप बोलते हैं, उस तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे उसको नजर आ रहे थे। और उसको भी देखकर उसकी बहुत ज्यादा इच्छा हुई कि हम इस गुब्बारे को ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम। लेकिन वो ये फिर अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है इसको खरीदने के लिए भी उसको कभी भी नहीं खरीद के देंगे, नेवर बाय हिम, कभी भी उसे खरीद कर नहीं देंगे। द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय सो ही वॉक ऑन फर्दर। अतः वो पेरेंट्स को जानता, पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे, अरे ये तो बहुत पुराना है, इससे तो तुम कई बार खेल चुके हो, छोड़ो इसे, ये सुनकर वो फिर आगे बढ़ जाता है। ए स्नैक चमर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नैक विच वर्ल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट।
अब जब वो आगे बढ़ता है, आपको पता है मेले में कई चीजें होती है, कई तरह की चीजें देखने को मिलती है, तो अब जब आगे बढ़ता है तो एक सपेरे को देखता है जो सांप को अपना बीन बजा के उनकी कलाकारी को दिखाता है, तो उसकी जगह फिर वो आता है। जब वो बीन बजाता है तो क्या होता है, बांसुरी बजाने पे जो बास्केट पे सांप रखे रहते हैं वो कुछ अपना ढिलते डुलते उसमें दिखाई देते हैं। इट हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वान, मतलब एक स्वान की तरह, एक हंस की तरह वो बीन बजाने बजाते ही जो सांप की गर्दन जो है अपने आप ऊपर उठने लगती है, जो सफन होता है वो दिखने लगता है। व्हाइल द म्यूजिक स्टॉल into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और जो उसकी म्यूजिक है वो कानों को सुनने में जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कहीं जैसे झरना से कोई आवाज होती है, इस तरह से एक झरने जैसी आवाज उसकी म्यूजिक में आ रही थी। The child went towards the snake chamber, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music. अब उसको अच्छे तरह से जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसको फिर मना कर देंगे ऐसी कॉर्समैन ने बेकार की म्यूजिक सुनने के लिए, एज द स्नैक चैनल प्ले जो कि वो सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, अतः वो फिर आगे की तरह बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन ए व्हीर्लिंग मोशन स्प्रेड एंड द कैरीड विद द डेजी लाफ्टर। अब मेला है, मेले में झूला ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना बेटे, तो वो जब आते आगे बढ़ता तो एक झूला देखता है जो पूरे लोगों से भरा हुआ झूला बड़ी जोर जोर से घूमता है, मैन वुमेन चिल्ड्रेन माने आदमी औरत सब उसमें चढ़े हुए हैं और वो बड़ी जोर से घूम रहा है और लोग जो हैं काफी खुशी में चिल्लाते हैं और हंसते हैं जब झूला गोल गोल जोर से घूमता है। द चाइल्ड वॉच देम intently and then he made a bold request. अब बच्चा जो है वो झूला है उसको बहुत ही इंटरेस्ट से बहुत ही उत्साह पूर्वक उसको देखता है और फिर बड़े उससे वो अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, I want to go on the roundabout, please father mother. बेचारा बहुत ही उससे फिर अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करता है कि हमको ये झूला झूलना है, कृपया हमको झूलने दीजिए। अब आगे देखिए, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो बोलता है मुझे झूलने दीजिए, लेकिन झूले की तरफ देखकर वो बोलता है लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आती है, कोई उत्तर नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तब वो अपने पीछे पेरेंट्स को मुड़कर देखता है तो क्या देखता है, दे वर नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थे, अहेज ऑफ ही मुझसे दूर थे, मतलब वहां पर उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो सीन ऑफ देम, मतलब वो एक तरफ देखता है वहां भी वो नहीं है, दूसरी तरफ फिर भाग कर देखता है तो वहां भी वो नहीं है, पीछे मुड़ता है वहां नहीं है, पीछे की तरफ भी नहीं देखता है, कहीं भी उनके कोई भी निशान नहीं मिलते हैं कि जहां को पता चले कि उसके मम्मी पापा वहां पर है। The full deep sigh rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब वो बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है, उसका गला एकदम सूखने लगता है और अचानक उसके बॉडी में कंपन सी होने लगती है, crying in real fear, और बेचारा एक डर के मारे रोने लगता है, मम्मी पापा, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज, उसके आंखों से आंसू गरम गरम आंसू निकलने लगते हैं। हिज फ्लश फेस वॉज कन्वर्स विद द फियर, उसके जो चेहरा होता है वो डर के मारे दम सहम जाता है, सिकुड़ जाता है, पैनिक सेकेंड ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, अब डर के मारे सबसे पहले वो एक तरफ दौड़ता है, देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ, हेदर एंड हेदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहां जहां भी जितने डायरेक्शन है दिशाओं में सब जगह वो अपने मम्मी पापा को खोजता है। मदर फादर ही विल, ओ मम्मी पापा बोलते हुए चारों तरफ ढूंढता है, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडेड, और इस चक्कर में जो उसकी पगड़ी वो येलो कलर का बंधा रहता वो जो है ढीला हो जाता है और उसके कपड़े जो है वो बिल्कुल मिट्टी से सन जाते हैं। बच्चा है बेचारा,
वो कहाँ तक वो करे, उसको तो अब बस सिर्फ अपने पेरेंट्स को चाहिए। अब वो नहीं देख रहा कि मेरे कपड़े में मिट्टी लग रही है या मेरा कुछ हो रहा, नहीं, उसको सिर्फ अपनी मम्मी पापा चाहिए। तो वो बेचारा दम परेशान है, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन द रेज ऑफ द रनिंग फॉर वाइन, और बेचारा जहाँ तक ढूंढ सकता है, जहाँ तक दौड़ सकता है, वहाँ वो दौड़ता है और ढूंढने लगता है। ही इज टू डिफीटेड, आखिर में वो बेचारा हार कर खड़ा हो जाता है। His cries surface into the soap, और उसकी जो रोना है वो सुबकने में भर जाता है, वो फिर सुबकने लगता है। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. और थोड़ी दूर पर हरे घास पे कुछ औरत और आदमी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. अब उन लोगों में, बैठे हुए लोगों में, पीले कपड़ों में वो अपने मम्मी पापा को ढूंढता है, लेकिन उनके मम्मी पापा का कोई भी चिन्ह वहां पर दिखाई नहीं देता है। Who seemed to laugh and talk just for the sake of the laughing and talking, वो आदमी जो आपस में हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, सब बहुत खुश दिख रहे थे, लेकिन उसमें उसके मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे थे। आप खुद सोचिए, अगर आप कभी अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते हो कहीं, क्या आपको दुख नहीं होता, आपको डर नहीं लगता है? मुझे बिल्कुल पता है आपको भी डर लगता है ना बेटा। आप सब जाते हो, आप कितने भी खुश होते हो, कुछ भी है, लेकिन आपको क्या चाहिए? अपने मम्मी पापा चाहिए, है ना। आपको, सब बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत ही लगाव होता है, प्यार होता है। तो ये तो छोटा बच्चा है, हैं? तो इसको भी अपने मम्मी, और छोटे बच्चे तो खास करके जो है बिना मम्मी पापा के नहीं रह सकते, है ना बेटा। अब क्या है, ही रन क्विकली अगेन, वो फिर से दौड़ने लगता है तेजी से। दिस टाइम टू ए श्रीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब ये वो समय होता है जबकि लोग जो है, भीड़ जो है बढ़ने लगी है बहुत ज्यादा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज द कंजेस्टेड विद मैन, बट ही रेन थ्रो पीपल्स लैग, हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग। लेकिन वो समय है जो भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का जत्था काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो जो है लोगों के पैरों के बीच में से और उनके किसी की परवाह ना करते हुए वो आगे आगे बढ़ता जाता है और सुबकने लगता है और मम्मी पापा कहता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउवेयर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और इस तरह से मंदिर की तरफ से जहाँ निकलने का स्थान पास से, वहां पर भीड़ जो है बहुत भारी भीड़ हो जाती है। मैन जस्टर ईच अदर, मैन जो है, लोग जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगते हैं निकलने के होड़ में। हैवी मैन विद ब्लेसिंग, काफी लोग जो है एक दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ते हैं। मदर्स आईज एंड हैप्पी शोल्डर्स, जो है उनके मतलब आंखें जो है सिर्फ यही दिखती है कि किस तरह से एक दूसरे को कंधे से और करते हुए, आंखों से खदेड़ते हुए ये आगे की तरफ भी जो है बढ़ती। माने हर एक को ये लगता है कि किस तरह हम आगे बढ़ जाएं, है ना, एक दूसरे को वो करते हुए, पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू द थर्स्ट टू वे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक टू एंड थ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। अब वो छोटा बच्चा जो है, वो बेचारा किसी चीज की, वो छोटा गरीब बच्चा जो है काफी तेजी से संघर्ष कर रहा है, किस तरह उन भीड़ के पैरों से बचता हुआ वो बाहर की तरफ जाए और अपने मम्मी पापा को ढूंढे। नॉक द फ्लो ऑफ देयर फुटेन मूवमेंट, उनके जो ये बुरी तरह से जो ये भीड़ हो जो बढ़ती जा रही है, उसको किस तरह से वो करके वो आगे की तरफ बढ़े। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, ही हैड नॉट स्टिक एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, नहीं दिखता कोई, तो और उसकी आवाज जो है डर के मारे तेज होती चली जाती है, तेज होता जाता है उसकी आवाज। ए मैन इन द सर्गिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, अब उसी भीड़ में एक आदमी जो है
उसकी आवाज को, उसकी रोने की आवाज को सुनता है, स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और काफी मुश्किल से वो उस भारी भीड़ में रुक कर लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, उस बच्चे को उठाकर अपने बाहों में उठा लेता है। काफी भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, उसमें बड़े मुश्किल से उसको उठाता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हूज बेबी आर यू, उस आदमी ने उसको उठाया और उसको कहा तुम यहाँ पे कैसे हो बेटा, और हूज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज द एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उसने पूछा कि तुम कहाँ, यहाँ कैसे आए हो, तुम किसके बच्चे हो। उस आदमी ने उससे कई क्वेश्चन किए लेकिन उसका कोई उत्तर उसको नहीं मिला। चाइल्ड क्योंकि बच्चा जो है वो घबराया हुआ था और बराबर रोता जा रहा था और सिर्फ यही मांग कर रहा था, मुझे मेरी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन ट्राइड टू, आगे देखिए, द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंडअबाउट, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स। अब उस आदमी ने बहुत कोशिश किया कि उस बच्चे से किसी तरह उसकी जानकारी ले, उसी तरह तरह की बातें की, फिर उसको झूले के पास ले गया और उसको कहा क्या तुम ये घोड़े पर चढ़ोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, और उसने उसको कई चीजें जो है उसको दिलाने की कोशिश की। द चाइल्ड थ्रोड इंटू ए थाउजेंड ट्रिल सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उस आदमी ने जो है, मनुष्य ने कई प्रकार से उसको कई चीजें देने की कोशिश की लेकिन वो बच्चा बराबर क्या कह रहा है कि मुझे केवल मेरी माँ चाहिए और मेरे पिताजी चाहिए। अब आगे देखिए, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चैंडलर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लोर टू द स्विंग कोबरा। अब वो आदमी उसको, उसके मन को बहलाने के लिए उसको, देखिए आप ये पिक्चर में भी देख रहे, देख सकते हो कि किस तरह से ये स्नैक, ये सपेरा है, बीन बजा रहा है, और ये वो आदमी है जो बच्चा देखो ये रो रहा है, ठीक है ना, और किस तरह उसको बहलाने की वो कोशिश करता है कि किस तरह से ये मान जाए। तो उसको फिर वो ये सपेरे के पास ले आता है और उसको कहता है कि देखो फ्यू टू द स्वाइंग कोबरा, कोबरा सांप होता है जिसको बांसुरी बजाता है, और लिसन टू दैट राइज म्यूजिक, नाइस म्यूजिक। उसने कहा देखो सुनो कितना सुंदर म्यूजिक है बेटा, इसको सुनो, हे प्लेडेड, वो बोलता है। बट द चाइल्ड शट हिज इयर्स एंड हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर। लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, वो वहां के अपनी आंखों को बंद कर लेता है और क्या कहता है, खाली चिल्लाता है, अपने कानों को भी बंद कर लेता है हाथों से, और कहता है ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ देखना है, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, तब वो आदमी उसको बैलून्स के पास ले आता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वेटन हिम, अब वो आदमी सोचता है कि बच्चा है, इसको तो गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं, तो वो उसके पास कहता है आके कि देखो कितने सुंदर चमकीले गुब्बारे हैं, और वो सोचता है कि इस गुब्बारों से तो वो अट्रैक्शन होगा ही। वुड यू लाइक ए रेनबो, क्या तुमको रेनबो पसंद करते हो, कलर्ड बैलून, ये रेनबो जस्ट लाइक ए कलर्ड बैलून है, इसको तुम पसंद करते हो। ही प्रेसिवली आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सो, लेकिन वो आदमी उस बच्चे को तो कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी आंखें वहां से हटा लेता है, पीछे मोड़ लेता है और सुबकने लगता है और खाली ये कहता है कि नहीं मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब समझ लीजिए, जो बच्चा इतनी देर से जिद कर रहा था मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन जब उसके मम्मी पापा खो जाता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए उसको, अपने मम्मी पापा। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी मोड हिम द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक द गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। फिर वो माला के पास, जो फूल माला होती है उसके पास उसको ले आता है और कहता है उसको किसी तरह खुश करने के लिए, फिर उसको कहता है बेटा ये देखो फूलों की सुंदर माला है, इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी है, क्या तुमको ये चाहिए।
The child turned his nose away from the basket and retained his soap. I want my mother, I want my father. लेकिन वो बच्चा उससे भी वो करता अपनी आंखें फेर लेता है और अपनी नाक को बंद कर देता है कि मुझे ना कोई सुगंध चाहिए, ना मुझे कोई माला चाहिए, मुझे केवल अपने पापा चाहिए. थिंकिंग टू हमर डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ द स्वीट द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड. फिर वो लास्ट में उसको स्वीट की दुकान में ले आता है और कहता है बेटा देखो कितने तरह के स्वीट्स हैं, अब तुमको कौन सी स्वीट पसंद है. ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप आई वांट माय मदर आई वांट माय फादर. अब वो स्वीट की दुकान में भी देखो पहले वो क्या कह रहा था, बर्फी उसकी पसंदीदा मिठाई थी, लेकिन अब उसको भी नहीं चाह रहा, कह रहा नहीं मुझे तो केवल अपनी मम्मी चाहिए, मुझे केवल अपने पापा चाहिए. अब ये आपका यहाँ पे खत्म होता है. आप देखते हो कि किस तरह एक बच्चा जो है मेले में कई चीजें होती है लेकिन उसको कुछ नहीं पसंद है. पहले तो पसंद कर रहा था, हर चीज की जिद कर रहा था, लेकिन आखिरी में जब उसके मम्मी पापा उससे खो जाते हैं तो वो कोई चीज की मांग नहीं करता है. सिर्फ उसको क्या चाहिए, अपनी मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए. तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आप बहुत ध्यान से उसको सुने होंगे. अब उसको आप अच्छे से फिर लेसन को बढ़िया से रीड करिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए. थैंक यू बेटा.